बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ मखदूम शहाबुद्दीन और समीना पाशा साहिबा, आप जानते हैं दोनों माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त किस्म के दबंग साफ़ी हैं, नॉलेजेबल भी हैं और बड़ा खुल के बोलते हैं। इनके सामने कुछ सवालात रखेंगे, पूरा जायज़ा एक आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन मैं कुछ जल्दी से आपके सामने कुछ खबरें जो अभी लेटेस्ट डिवेलपमेंट्स हैं, जैसे अकबर अस बाबर साहब एक दफ़ा फिर वारदात करने के लिए तहरीक इंसाफ के जो साबिक मरकजी और सूबाई अहदेदार हैं उन्हें इकट्ठा करके बुला के इजलास कर रहे हैं, शब खून मारने की तैयारी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं उन्हें मुंजमद करने की बात कर रहे हैं, और इस पर भी तफसीली फैसला भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से आ चुका बल्ले के केस में, क्या ये वारदात हो सकती है चेयरमैन पीटीआई की। और कौमी असेंबली के आपको पता है हर हलके में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस वक्त लड़ रहे हैं इंतखाबी निशान की मुकम्मल फहरिस्त, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में बार बार ये बात होती है कि एक बड़ी मंडी लगेगी और ये लोग मवेशियों की तरह बिकेंगे। ये मामला बड़ा अहम है, तहरीक इंसाफ कैसे बच सकती है इस्तेकाम पार्टी और खास तौर पर बिलावल जरदारी साहब ललचाई हुई भूखी नजरों से आज़ाद तगड़े किस्म के जो उम्मीदवार हैं उन्हें ढूंढ रहे हैं, मतलब सही तगड़े और मजबूत उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ, यहाँ तक कि उनसे वोट तक मांगे जा रहे हैं पीटीआई के लोगों से। और इमरान खान ने जो एक दफ़ा फिर प्रोपेगेंडा रिजेक्ट किया, नवाज शरीफ साहब के साथ जो मुज़ाकरात की बात थी उसे रद्द किया कि ये मुज़ाकरात सियासतदानों से होने चाहिए, एक डेमोक्रेट हूँ, लेकिन एजेंडा एक ही है और वो साफ शफाफ इलेक्शन। ताकत ज़ाहिर है इनके पास है नहीं, ये तो बेनिफिशरीज हैं, मुज़ाकरात का फ़ायदा नज़र भी नहीं आता। आज एक साफ़ी हैं कमर मेकन साहब, इन्होंने इमरान खान से मुलाकात की बात की कि इमरान ऐसे लग रहा था कि इमरान खान 8 फरवरी की तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं सब कुछ दाव पे लगा के। ये बड़ा अहम मामला है, खान साहब अभी तक अपने मौकफ से एक इंच भी पीछे नहीं हटे, लेकिन जो सबसे बढ़कर अभी इमरान खान साहब ने इतवार के दिन की एक कॉल दी है अवाम को निकलने की, इतनी बड़ी तादाद में अवाम निकलेगी? बैरिस्टर अली जफर तो कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, दफ़ा 144 पर भी आपको पता है कि असलहे के मामले पर और फायरिंग और जो इलेक्शन कमीशन की कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करने के अलावा और कोई पाबंदी नहीं है, तो ये आवाम जान ले ऐसी कोई पाबंदी नहीं, आप लोग निकल सकते हैं। तहरीक इंसाफ के बैनर्स भी हटाए जा रहे हैं, पोस्टर्स भी हटाए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये पोस्टर्स और बैनर कोई बड़ा किरदार अदा करते हैं? हाशमी साहब की तहरीक भी आपने देखी, वर्कर कन्वेंशन कर रहे थे, वो भी शायद तहरीक इंसाफ में दोबारा आने की कोशिश करें, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तोशाखाना का केस है, इसमें भी समाअत आज जो खान साहब की जो दरख्वास्त थी उसे वापस लगा के इतराज़ भेज दिया, 7 दिन उस पर मिले हैं, बैलेट पेपर प्रिंटिंग के लिए तैयार हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ अहम रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी दे दी। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा के 3.5 साल में तहरीक इंसाफ ने कितने अस्पताल और यूनिवर्सिटीज़ बनाई, इस पर राय साकिब खरल साहब बड़े अच्छे साफ़ी हैं, इन्होंने 21 अस्पतालों और यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया जो शायद स्क्रीन पर भी चले, बाकी मैं मखदूम साहब और जो समीना पाशा से बात करूँगा। तमाम जमातों के मंशूर भी आ चुके हैं, तहरीक इंसाफ की बड़ी मुश्किल कम्पेन, बड़ा मुश्किल इलेक्शन, अवाम मदद कर रही है, लेकिन 8 फरवरी को क्या होगा, ये सारे सवाल जो है मखदूम शहाबुद्दीन और समीना पाशा साहिबा के सामने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, और ये बड़ा आपको पता है टफ सिचुएशन है, आप लोग बिजी हैं और मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने अपना वक्त दिया। सबसे पहले मैं समीना साहब आपसे शुरू करता हूँ, ये जो इमरान खान साहब ने अभी इतवार के दिन की अवाम को निकलने की कॉल दी है, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या असबाब है? क्या खान साहब टेस्ट करना चाहते हैं कि अवाम इसी तरह ये ट्रायल रन है उनका, या आपको लगता है अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकल के कोई डेंट डालेगी, क्या मकसद हो सकता है? जी थैंक यू सभी और अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। जी मेरे ख्याल से जैसे इमरान खान साहब इंतजार कर रहे हैं ना, ऐसे ही अवाम भी 8 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं, और दोनों तरफ से ये इंतजार ज्यादा तो 8 फरवरी के लिए ही है, तो ये एक उन्होंने नेट प्रैक्टिस के लिए संडे का दिन रखा है कि ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए बाहर निकलने की और थोड़ा माहौल चेक कर लें, फिजा कैसी है, पिच कैसी है और कंडीशंस कैसी हैं, मॉइस्चर तो नहीं है, और ये सारी चीजें जरा अच्छे से आइडिया हो जाए लोगों को बाहर निकलने का। तो एक तो वो खौफ जो लोगों के दिलों में भरा हुआ है वो तोड़ना, दूसरा इसका मकसद ये है कि ये पता चले कि लोग वाकई जो मायूसी फैलाने की बातें बहुत हो रही है ना, जिनमें कुछ आपने जिक्र भी किया है कि जी मंडियां लग जाएंगी, लोग चले जाएंगे, और जी पीटीआई ने कौन सा जीतना है, और नहीं जी इनको तो वोट डालने का फायदा नहीं है, लोग तो कंफ्यूज हो चुके हैं सिंबल्स की वजह से। तो वो जो सारा कुछ पिछले एक महीने में हुआ है लोग वोटर को कन्फ्यूज करने के लिए स्पेशली, तो वो भी एक लोगों को दोबारा से उम्मीद के लिए जब बाहर निकलते हैं आप तो ऑटोमेटिकली आप फिर से जज्बा आपके अंदर आता है कि यार वी आर स्ट्रेंथ, तो वो उस चीज के लिए भी इमरान खान साहब ने उसे मोबिलाइज करने के लिए भी ये कॉल दी है। लेकिन कितनी बड़ी तादाद में निकलेंगे ये अभी देखना होगा, क्योंकि जो ग्राउंड पर सिचुएशन है वो हमें नजर आ रही है कि लोग साथ साथ कैंपेन भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ बच भी रहे हैं। देखिए ये भी बड़ा जरूरी है कि इलेक्शन डे तक आप बचे भी रहें, आपका कारकुन, आपका पोलिंग एजेंट, आपके जो एक रजाकार वॉलंटियर्स हैं जो लोगों को लेके आएंगे, वोट डलवाएंगे या उनको सपोर्ट करेंगे या वहाँ फॉर्म 45 तक बैठे रहेंगे रात तक, ये सब लोगों का
ग्राउंड पर मौजूद रहना बड़ा जरूरी है, अगर सब गिरफ्तार हो गए तो फिर ये सारा काम कौन करेगा। तो मेरा बिल्कुल ख्याल से बिल्कुल लोग निकलेंगे सर्टनली, बाहर एक अच्छी गैदरिंग होगी, लेकिन इसको अगर हम ये समझें कि कोई ऐसा वो 9 अप्रैल वाली नाइट होगी कि जो ओवरवेलमिंग किस्म से लोग करोड़ों की तादाद में बाहर आ जाएंगे, वो शायद सिचुएशन नहीं होगी। और मेरा ख्याल है अगर नहीं भी हो तो उसकी सारी एनर्जी जो है वो 8 फरवरी के लिए ही बचा के रखनी चाहिए और उसमें सेफ रखना चाहिए खुद को। लेकिन मेरा ख्याल है काफी तादाद में फिर भी लोग बाहर निकलेंगे। बिल्कुल। मखदूम भाई, आप क्या सोचते हैं, आपको लगता है कि ये जो उम्मीदवारों को जो नहीं निकल रहे, खान साहब ने तो कहा जो नहीं निकले उनकी आप टिकट तक कैंसिल चेंज कर दें, अगर अब ये लोग निकलते हैं तो गिरफ्तार हो जाते हैं, ना निकले तो आवाम कैसे निकलेगी, मोबिलाइज कैसे करेंगे, तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए और क्या होगा आपके ख्याल में? देखिए, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और जो अभी आपने बात कही अपने इंट्रो के अंदर, मैं उससे इख्तलाफ करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बड़ा मुश्किल इलेक्शन होने जा रहा है। बिल्कुल हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ये इलेक्शन मुश्किल हो, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को उठा के देखें तो जाती तौर पर मेरी सारी हमदर्दियां ताकतवर हलकों के साथ हैं, ऑल माई थॉट्स एंड प्रेयर्स, क्योंकि उनके लिए भी अब तक का ये पिछले 76 साल का सबसे मुश्किल इलेक्शन है। अच्छा अच्छा सही और बात, जितना मुश्किल उनके लिए है, इतना यकीन माने किसी के लिए भी नहीं है। अगर हम देखें जो इवेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, और पाकिस्तान में ऑब्वियसली जो ताकतवर हलकों की पोलिटिकल इंटरफेरेंस एक रियालिटी है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता, ना वो खुद झुटलाते हैं। और ऑब्वियसली जो रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट्स और बाकी चीजों से भी बहुत कुछ वाजे हो गया है, अब वो एक अलग डिबेट है, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अच्छी है या बुरी है। बहुत से लोगों को एक वक्त में ये अच्छी लगती थी, अब बुरी लग रही है। जब भी कोई रिसीविंग एंड पे होता है तो फिर उसे बुरी लग जाती है। आज तक कंसेंसस हमारे सियासतदानों का हो नहीं सका, जिस दिन हो गया उस दिन 1 मिनट में पॉलिटिकल ये जो इंटरफेरेंस है ये खत्म भी हो जाएगी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बिल्कुल ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है। लेकिन देखें, शेर अफजल मरवत साहब ने एक बात कही कि टिकट्स के लिए सबसे ज्यादा रश पंजाब ने लगाया और अब कन्वेंशन जो है वो पंजाब नहीं कर रहा। कन्वेंशन क्या खैबर पख्तूनख्वा में इब्तदा में मुश्किल थे? बिल्कुल थे। खैबर पख्तूनख्वा ने अगर हिम्मत दिखाई है, वहां के लीडर्स ने भी हिम्मत दिखाई है, तो आई थिंक पंजाब के लोग भी निकल सकते हैं। और दफा 144, कल जो पीटीआई का टिकटॉक जलसा था उसमें सैबी काजमी साहब भी शिरकत कर रहे थे, मैं भी था, मैंने वहां पर भी एक बात कही थी, दफा 144 तो नाफिज होती है या नहीं होती, अभी तो सिर्फ असले की नुमाइश के हवाले से है, और भी हो जाएगी। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर दफा 804 नाफिज है और ये बड़े बड़े ताकतवरों के आसाब के ऊपर ये दफा जो है ये सवार हो चुकी है। पीटीआई के लिए ये इलेक्शन चैलेंजेस से भरपूर है। और देखें, जो कुछ हो रहा है ना, आप कुछ भी एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जो अलार्मिंग चीज है वो थ्रेट अलर्ट था, वो मैंने खबर पढ़ी कि जी सियासी रहनुमाओं को अगवा किया जा सकता है, पोलिंग जो का सारा वो जो आपके होते हैं बैलेट पेपर्स हैं, इवन रिजल्ट्स जो हैं वो चोरी हो सकते हैं। इतना क्लैरिटी के साथ थ्रेट अलर्ट मैंने आज तक नहीं देखा, जिसमें ये भी बता दिया गया हो कि क्या क्या हो सकता है। तो अल्लाह ना करे कि ये सब हो, शायद उन्होंने इसलिए बताया होगा ताकि कौम दुआ करे, क्योंकि हम तो दुआ ही कर सकते हैं, दबा तो नहीं हम कर सकते। लेकिन अभी तो आप देखिएगा कि होता क्या है। देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ भी किया गया वो उसमें से एक तरह से उभर के सामने आए, उन्होंने हर अपनी मुश्किल को एक तरह से शिकस्त को भी शिकस्त दी, और उन्होंने अपनी हर मुश्किल को बड़े मजे से, उन्होंने आप ये देखें कि बैंगन का इंतखाबी निशान पे जितना वो एंजॉय कर रहे हैं, जूते के इंतखाबी निशान को वो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बेटा है वो एंजॉय कर रहे हैं। ये सारे चैलेंजेस थे, ये चैलेंजेस रहेंगे, पार्टी को सेबोटाज भी करने की कोशिश की जाएगी, बहुत कुछ सामने आएगा, एक कंसिडरेबल अमाउंट जो है लोगों की वो डिफ्लेक्ट भी करेगी। देखें, ये चीज बड़ी वाजे है। क्योंकि मैं आपको एक और ये बात बता दूं कि मैंने मुझे ये खबर भी मिली है कि एक जगह पर पीटीआई के नामजद उम्मीदवार है, वो वोट मांगने गए तो लोगों ने कहा आप हल्फ दें, उन्होंने कहा मैं हल्फ नहीं देता। तो मैं समझता हूँ लोग जो है वो अगर वोट दे रहे हैं कप्तान के खंभे को तो कम अज कम द लीस्ट मिनिमम जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कम अज कम देखें इस मुल्क के अंदर तो हल्फ की भी पासदारी जो है वो भी आपको पता है कि किस तरह से होती है, लेकिन कम अज कम एक मॉरल स्टैंडिंग जरूर होगी, फिर वो अपने हल्के में किस मुंह से जाएंगे और क्या वो किस तरह से वापस जाएंगे सियासत करने के लिए। तो पीटीआई के लिए चैलेंजेस तो बहुत हैं और ये खत्म कोई नहीं होने। देखें, ये जो इलेक्शन करवा रहे हैं ये इलेक्शन भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला सकेगा, ये पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं वही सारे इकदाम
पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के भी दुश्मन बनेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं एंड में आपसे पूछूंगा इसके इसके असरात क्या है। अच्छा समीना, ये बताएं जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो आपको आपके हल्के में पोस्टर्स वगैरह या बैनर्स वगैरह या इस तरह की चीजें तहरीक इंसाफ की नजर नहीं आती, तो आपको लगता है कि आम आदमी इन बैनर्स, इन पोस्टर्स, इन इंतखाबी मुहिम से, इन रैलियों से, जलसों से मुतासर होता है किसी हद तक? क्योंकि नून लीग अगर आप देखें, कुछ ऐसे अभी उनकी जो छोटी मोटी रैली थी उसमें कुछ लोग तो थे, चाहे वो 10% हो, कुछ लोग तो आते हैं, तो क्या ये इम्पैक्ट डालते हैं या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? जो नून लीग की आपने बात की, मैं पहले उसका जवाब दे दूं। देखिए, नून लीग के जलसों या रैलियों में इस वक्त दो किस्म के लोग आ रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जो वाकईतन, एक वो होता है ना कोर आपका डाई हार्ड किस्म का वोटर होता है, किसी भी सूरत अलग नहीं होता ये। हाँ, तो जाहिर है पीएमएलएन एक पुरानी पार्टी है और बड़ा इन्होंने रूल भी किया हुआ है और बड़ी अंदर तक ये सिस्टम है, इनकी पेनिट्रेशन बहुत अंदर तक है, तो जाहिर है कि उनकी एक अपनी बहरहाल सपोर्ट है, इस वक्त कम है लेकिन है तो सही। तो एक तो वो लोग हैं और दूसरे वो लोग हैं जो पीटीआई के लोग हैं, जिन्हें बेचारों को मौका नहीं मिल रहा है जलसे जुलूस का, तो वो उधर शुगल शुगल में घुस जाते हैं देखने के लिए कि हो क्या रहा है। तो वहां पर बहुत कम, मेरा ख्याल सिर्फ 1000 का जलसा था जो थोड़ा सा बेहतर जलसा था, अदरवाइज मुझे तो कोई पीएमएलएन का जलसा इतना इंप्रेसिव अभी तक नहीं लगा ऑनेस्टली। दूसरी चीज ये है कि जलसे को आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर उसके कंपैरिजन में कोई जलसा तो हो रहा हो ना, अगर पीटीआई भी जलसा कर रही हो, पीएमएलएन भी, फिर आप कंपेयर करके कह सकते हैं कि किसका जलसा बड़ा है या किसका नहीं। जब दूसरी तरफ कोई जलसा ही नहीं हो रहा तो आप कैसे कह सकते हैं कि पीएमएलएन का जो जलसा है वो बड़ा अच्छा जलसा था? मतलब अगर 4 लोग मैंने गली में इकट्ठे कर लिए हैं और आप ग्राउंड में 100 लोग इकट्ठे करते हैं तो फिर तो कोई कह सकता है कि भाई सभी के पास बड़ी सपोर्ट है, लेकिन अगर आप हैं ही नहीं तो फिर जाहिर है अगर मेरे साथ 4 लोग हैं तो मैं कहूंगी जी मैंने ही बड़े लोग इकट्ठे कर लिए। तो इस वक्त ये वाली सिचुएशन, बड़ा अच्छा पॉइंट है बाकी। हाँ, दूसरी चीज जो आपने कही कि बैनर्स यहाँ फ्लेक्सेस वगैरह से कितना फर्क पड़ता है, सभी, ये बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान में। देखिए, ऐसा इलेक्शन कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ, 2-3 वजहों की बिना पर मैं ये बात कह रही हूँ। ये बात दुरुस्त है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो हमेशा ही होती रही है और जो ताकतवर हल्के हैं वो हर वक्त कहीं ना कहीं उनका एक पलड़े में वजन भी होता रहा है, ये सब तो हमारे लिए कॉमन है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कुछ लॉजिस्टिक के एतबार से एक बिल्कुल डिफरेंट इलेक्शन इसलिए है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एक पार्टी जो है वो ग्राउंड पर कैंपेन नहीं कर पा रही, लेकिन वो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल है। अब ये सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन हुआ हुआ पहला इलेक्शन होगा, तो इसलिए हम इसको प्रिडिक्ट कर नहीं सकते कि ये इसकी कैंपेन ने कितना असर अभी किया है या नहीं किया, इसको अब हम एग्जैक्टली उसी वक्त प्रिडिक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले कभी हमने देखा नहीं कि किसी ने सिर्फ सोशल मीडिया पर कैंपेन की हो और वो जीत गया हो, क्योंकि इससे पहले सोशल मीडिया के ऊपर कभी इससे पहले खान साहब को कहा जाता था कि फेसबुक के वजीर आजम है, फेसबुक के, फिर वो वाकई वजीर आजम बने। अच्छा, ये बड़ा एक अजीब और गरीब सी बात है, अक्सर ये लोग कहते हैं जी सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी असल में नहीं है। भाई मुझे कोई ये बता दे कि अगर पाकिस्तान में 12 करोड़ सार्फीन हैं, मोबाइल फोन यूजर्स हैं, तो वो क्या मोबाइल फोन हवा में लटके हुए हैं या दरख्तों ने पकड़े हुए हैं या वो कहीं पत्थरों के ऊपर पड़े हुए हैं? जाहिर उनके पीछे हाथ हैं, वो हाथों में ही हैं और वो हाथ इंसानों के हैं, तो उनके पीछे पूरे जीते जागते इंसान है जो उनको यूज कर रहे हैं, तो ये अजीब सी एक लॉजिक दी जाती है समाओ। लेकिन हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि बैनर्स फ्लेक्सेस वगैरह नहीं लगाने दिए जा रहे, तो उसका इम्पैक्ट इस हद तक तो जरूर पड़ता है कि जो कोई अगर वोटर सपोर्टर गली कूचे में फिर रहा है वो देख रहा है यार मेरा, मैं जिसको वोट करना चाहता हूँ वो कौन है क्या है, तो सबको अब रिलाय ज्यादा करना पड़ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या एक बंदा भी अगर एक घराने के अंदर सोशल मीडिया पर मौजूद है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई भी इंस्टाग्राम पे उसका अकाउंट है, तो क्या वो इस काबिल है कि उसके घर के जो बाकी लोग हैं जिनका अकाउंट नहीं है या वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो उनको एजुकेट कर सके इस बारे में कि भाई ये अब हो चुका है? तो ये चैलेंज है, जैसे अभी शाहब ने भी बात की, तो इस चैलेंज को अभी तक तो हर चैलेंज को, जिसको कहते हैं ना, हर क्राइसिस को उन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना लिया, तो अब इस चैलेंज को भी वो क्या एक अपॉर्चुनिटी में बदलने में कामयाब होते हैं या नहीं, इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इस टाइप की सिचुएशन पहले कभी किसी ने देखी नहीं। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ इसको वाइंड अप करते हुए अपनी बात को, कि चूंकि उन्होंने 2 साल से अपनी जो पूरी एक मोमेंटम बनाया, जो पूरी तहरीक चलाई और पूरा जो एक उन्होंने सोने ही नहीं दिया नजरिया, वो सारा उन्होंने सोशल मीडिया पर रखा है, तो उसके तनाजुर में हम ये कह सकते हैं कि फिर अभी तक तो उन्होंने सोशल मीडिया पर जो कैंपेन उठाई है और जो उन्होंने बयानियां उधेड़ा है उधर दूसरी तरफ से जो बना है, तो उसके पेश नजर ये मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि अभी भी ये इतने आसान चने नहीं है जिनको आप आसानी से, वो क्या ख्वाजा सादर भी की बात है, ये लोहे के चने साबित हो रहे हैं।
सही कह रही हैं। बाकी सोशल मीडिया ने दुनिया में देखे, अमेरिकन इलेक्शन हो इन पे, और वैसे सोशल मीडिया में अगर प्रॉब्लम ना होती तो इतनी पाबंदियां क्यों लगाते, बार बार मछली क्यों काट के जाती। और ये तो मियां साहब तो वैसे इस वक्त जिस रेस में दौड़ रहे हैं वो अकेले दौड़ के भी चौथे नंबर में आने के चक्कर में। अच्छा मखदूम भाई, सबसे अहम सवाल जो अभी जो आजाद उम्मीदवार है, आपको पता है एक बड़ी तादाद है, फैसलवाड़ा ने 3-4 पेशेंट गोइयां पहले की, वो दुरुस्त साबित हुई। अब ये तो कह रहे हैं कि जी मंडियां लगेंगी, जिस तरह बिलावल भी ललचाई नजरों से देख रहे हैं, इस्तेकाम पार्टी भी कह रही है कि हमारी तरफ आ जाएंगे सारे, तो लोग ये जीत के लोगों ने वोट दे के, तो किस तरह तरीके इंसाफ ये सारा इसको एक सपोर्ट बनाए कि ये लोग मतलब कंफर्म करे कि यार ये इलेक्शन जीत के दो नंबरी नहीं होगी कोई इस तरह की। देखिए उससे पहले आपने जिस तरह बात कही ना कि मियां नवाज शरीफ साहब अकेले दौड़कर भी अव्वल नहीं आ रहे, उसकी सबसे बेहतरीन विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैं वो क्लिप काफी दफा शेयर कर चुका हूँ, इट नेवर गेट्स ओल्ड, वो डिक्टेटर फिल्म है, उसमें भावना शुरू करता है, पहले सबको गोली मारता है और जो पीछे भाग रहे होते हैं फिर वो उसके अंदर जो वो उधर रेफरी होता है उसे भी गोली मार देता है और फिर उसकी सांस उखड़ती है तो लोग आगे से वो जो फिनिश लाइन है वो ला के उसके साथ टच कर देते हैं, वो अपनी जगह पर खड़ा होता है। मैंने जब ये वीडियो अपलोड की ट्विटर के ऊपर तो मोनस इलाही जो है उन्होंने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा इसमें सबसे अहम चीज ये है, और जारी बात है मोनस इलाही की जो नजर है वो हमारी नहीं है, मोनस इलाही ने कहा कि इसमें मैसेज ये है कि इसने रेफरी को भी गोली मार दी है। ये बड़ा बारीक नुक्ता है। तो देखिए मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अगर आ भी जाते हैं इक्तदार में तो जिस तरह का आएंगे वो भी आपको पता है, लेकिन जो आपने बात कही है मंडी क्या लगेगी, देखें रियलिटी वो, लेकिन वो बात है ना कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोटर को ये सिर्फ और सिर्फ मायूस करना चाहते हैं, मंडी लगती है नहीं लगती बाद की बात है, वो अपनी सियासतें खत्म कर देंगे, राजा रियाज साहब बैक ऑफ कर गए इलेक्शन से, देयर इज अ रीजन, फयाजुल हसन चौहान साहब जो जो कप्तान को जिसने छोड़ा वो कहीं का नहीं रहा। और इस वक्त आप ये देखें कि आपका काम होता है कि आपने अपने हिस्से की शमा जलानी होती है, आपको ये भी बताएंगे कि जी धांधली होनी है, बिल्कुल होनी है, धांधला भी होगा, सब कुछ होगा, ये चाहते हैं कि लोग वोट ही ना दें, पीटीआई का वोटर मायूस हो, वो निकले और वो तंग आ जाए, वो पहले से ही हाथ खड़े कर दे कि जी मैंने वोट दिया तो धांधली हो जाएगी, धांधला ना हुआ तो धांधली ना हुई तो धांधला हो जाएगा, धांधला हो गया फिर भी मेरा कैंडिडेट जीत गया, फिर वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, वो जमीरों की मंडी, सब कुछ होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आप अपने हिस्से की क्षमा तो जलाएं। इमरान खान साहब अभी तक आप ये देखें कि जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ, एक सियासी जमात का अदालती कत्ल हुआ है, नदीम मलिक साहब ने ट्वीट किया था दिस इज अ जुडिशियल मर्डर ऑफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, और वो नाकद है पीटीआई के, कोई वो ये नहीं है कि कोई पीटीआई के हावी साथियों में उनका कोई शुमार होता हो, तो मेरे बड़ा मैं इज्जत करता हूँ अपने काजी साहब की, आप सबसे ज्यादा मैं काजी साहब को बहुत पसंद करता हूँ, मतलब जितना मुझे काजी साहब पसंद है इतना तो कोई भी नहीं है, लेकिन ना करें किसी ने प्रोग्राम में मखदूम भाई ऐसा ना करें, किसी ने देखना ही नहीं इसके बाद आगे, यहीं पे लोगों ने रुक जाना है। मैं बात तो सुने, मुझे काजी वैसे ही बहुत पसंद है, जितने काजी हैं मैं काजी वाला वाकया आपको पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन मसला ये है कि काजी साहब आज अगर जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के ऊपर अदालत लगा रहे हैं तो क्या कल को कोई अदालत नहीं लगेगी एक सियासी जमात के अदालती कत्ल पे? तो ये तो एक सिस्टम है चलेगा, और तारीख जो है वो किसी को माफ नहीं करती, साफ़त के बारे में कहा जाता है जर्नलिज्म इज द फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, जो खबर आज आप मैं और हम सब दे रहे हैं वो आज हालात हाजरा करंट अफेयर्स है, वो तारीख लिखी जा रही है और तारीख जो है किसी को माफ नहीं करती, लेकिन यहाँ पे जो पीटीआई के लोग हैं मैं समझता हूँ कि उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए, जमहूरियत फिर भी आपका वोट जो है, कप्तान के साथ जो कुछ हुआ आप ये देखें किसी और सियासी जमात के साथ इसका 5% होता वो इलेक्शन का बायकॉट करके बैठ जाते, वो इलेक्शन का बायकॉट नहीं कर रहा, वो इलेक्शन का बायकॉट नहीं कर रहा, देयर इज अ रीजन इमरान खान नहीं कर रहा, और जो शुरू में एक बात हुई थी ना कि काजी साहब के ऊपर अदम एतमाद करने लगे थे, मैं समझता हूं कि बिल्कुल आपने गलत करना था अगर अदम एतमाद करते, ये जो इंट्रा पार्टी और ये इंतखाबी निशान वाला फैसला आने देते उसकी बजाय, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि अगर आप मैच हार रहे हो या जीत रहे हो, एम्पायर अगर बायस्ड है, एम्पायर अगर मिला हुआ है, तो आप पे ये फर्ज है कि आप आखिरी गेम तक खेलें, एम्पायर को मजीद एक्सपोज होने दें, एम्पायर ने एक जगह पे आपको गलत आउट दे दिया, आपने बस कहा कि मैं तो खेल ही नहीं रहा, मेरा बायकॉट है, ये एम्पायर मिला हुआ है, वो कल को कहेगा कि नहीं जी ये तो बस गलती से हो गया, उसे एक्सपोज होने दें, उसे आखिरी स्टेप तक एक्सपोज होने दें, आप खेलते रहें,
आम हालात में आप खेले ना खेले, अगर आपका एम्पायर बायस्ड है और आपने मैच छोड़ दिया है, तो आप जुर्म कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं, उसे बुरे तरीके से एक्सपोज होने दें। अब देखें ये लोग खुद एक्सपोज हो रहे हैं, और कुछ ना भी हो जाए तो इमरान खान सुरखरू हो रहा है, और अवाम के अंदर जो रिजेंटमेंट है वो आपको भी पता है, वो रोज नौजवानों के साथ जो इंटरेक्शन होते हैं, टीवी चैनल्स के इंटरेक्शन की मैं बात करूंगा और किसी इंटरेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा, उसमें भी पता लग जाता है। नहीं, टीवी चैनल्स वाले ये जो मंसूर अली खान वगैरह कर रहे होते हैं, कमरान शाहिद साहब, आपको पता है मैं तो नहीं नहीं मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मेरी बात वो माइंड भी नहीं करते, उन्हें पता है कि मैं जिस तरह से लोग मेरे पे इल्जाम लगाते हैं ना, मेरे पे तो वो भी इल्जाम लग जाता है कि मैं तो शायद दोनों तरफ से खेलता हूँ, लेकिन मैं तो दोनों से मोहब्बत करता हूँ ना, दोनों पार्टी से, दोनों साइड से। लेकिन देखें यहाँ पे एक चीज है कि इदारों को भी समझना चाहिए, और इदारों को आई गेस के जितने जिस, लेकिन वो यही बात है कि देखें हम जितना मर्जी अब कह लेना, वो एक जुमला है कि वी डिडंट कम दिस फार टू कम दिस फार। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर भी ये सादिक आता है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुखालिफिन पर भी सादिक आता है। अब वो इतना आगे तक निकल चुके हैं, इतना एक्सपोज हो चुके हैं, अब वो भी एंड तक जो वो कर सके वो करेंगे, पीटीआई भी एंड तक जो कर सकी वो करेगी, पीटीआई अब बैक ऑफ नहीं कर सकती, और अब उन्हें समझाना बनता नहीं है दूसरी साइड वालों को, क्योंकि वो बेचारे जिस हद तक जा चुके हैं, अब उन्होंने इसमें मजीद एक्सपोज होना है या जो भी होना है। और इमरान खान साहब के हवाले से तो आपको पता है कि वो, मैं हमेशा बात रिपीट करता हूँ कि अशफाक अहमद साहब ने कहा था कि जिस पे करम हो उससे पंगा ना लो, वो तो करम पे चल रहा है, तुम चलती मशीन में हाथ दे दोगे, ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ चलती मशीन में हाथ दे रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त, ये आपने दुरुस्त सही बात की, और वैसे भी देखिये इमरान खान गॉट नथिंग टू लूज, उसके पास तो ऐसा खोने के लिए कुछ है ही नहीं, इनके पास बहुत कुछ है। अच्छा अभी वोट की आपने बात की, इसमें बड़ा अहम पॉइंट है, जो 2018 के इलेक्शन देखें तो उसमें तकरीबन 53 नशिस्तें ऐसी थी जो सिर्फ 10 से 20% वोट के मार्जिन से हारे, तो एक एक वोट बड़ा कीमती है। समीना ये बताएं कि इलेक्शन के बाद आपको क्या लगता है, आपने बड़े इलेक्शन कवर किए हैं, आप देखती रही हैं, बड़ा जायजे भी हैं आपके, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्या लगता है कि ये क्या कौमी हुकूमत बनने जा रही है, या ये आज़ाद उम्मीदवार एक बड़ी तादाद में होंगे, तहरीक इंसाफ की छतरी तले आ जाएंगे, या इमरान खान साहब ने जैसे बात की मजलिस वादत मुस्लिमीन और जमात जो JUIS शेरानी ग्रुप, इनके साथ इत्तेहाद हो सकता है, तो उनकी छतरी तले आके फिर ये करेंगे, या पीटीआई के साथ ही रहेंगे, आपको क्या लगता है? ये जो अभी मखदूम में बात कर रहे थे और आपने भी इंट्रो में जिसपे बात की कि जी आजाद अराकीन इधर उधर चले जाएंगे ये वो, इसके ऊपर एक तो खैर जेन्युइनली लोगों के खदशात हो भी सकते हैं, और दूसरा ये जानबूझकर भी बात स्पेशली करवाई भी जा रही है, और उसकी वजह वही है कि डिसअपॉइंट हो वोटर, उसे लगे कि मेरा वोट तो जाया हो जाएगा तो मुझे जाके करने की जरूरत क्या है। लेकिन उसके लिए अगर आप दूसरी तरफ से सोचे तो उसमें 2-3 आर्ग्यूमेंट बड़े सॉलिड है जो आपको बता देते हैं कि ऐसा क्यों मुझे कम दिखाई देता है। पहली बात तो ये कि ये ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी 2 साल की सारी मुश्किलें झेल कर तब तक भी पीटीआई को नहीं छोड़ा, तो जब वो इतने मुश्किल हालात में गुजर गए हैं तो फिर अब उन्हें पीटीआई को छोड़ने की, इस वक्त जब वो अगर जीत की पोजीशन में हों और आ जाए जीत कर असेंबली में, तो उसके बाद जीतना छोड़ना तो बड़ा बेकार है। दूसरी बात जो मखदूम ने भी अभी बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट की कि जाहिर है जिसने हल्के की सियासत करनी है, दोबारा आवाम के अंदर जाना है, तो उसको भी अपना वही मुंह लेके जाना है, और अगर वो बैक ऑफ करके जाएगा कि इमरान खान के नाम पर वोट ले और कहीं और मिल जाए, तो जाहिर है वो फिर आगे सियासत कैसे करेगा। इसका हाल तमाम लोटे जो हुए थे सियासतदान उनका लोग देख चुके हैं, जो अपने हलकों में बड़े इलेक्टेबल्स बड़े बहुत तगड़े पहलवान थे लेकिन बाद में वो मुंह के बल गिरे, तो ये सारी चीजें सब देख रहे हैं ऑलरेडी, और उन्हें पता है कि अगर हमने इस मौके पर ऐसा किया तो उसके बाद हमारा फिर इसका मतलब है करियर खत्म है। और तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके सवाल का जवाब भी देना चाहूंगी, वो ये कि इससे इसका जो आप डिटरमिन करना चाहते हैं ये इस पे डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी तादाद में ये पीटीआई के उम्मीदवार आजाद अराकीन के तौर पर जीत कर सामने आते हैं। देखिए अगर ये 15-20 या 25 सीटें जीत के आते हैं तो फिर मुझे लगता है कि इनमें से कुछ लोग अगर चले भी जाएंगे 8-10 तो 10-15 बैठे भी रहेंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ना होगा, तो ये इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर इनकी तादाद 80 से ज्यादा हो जाती है तो फिर ये छोड़ के भी नहीं जाएंगे, मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि वहां पर फिर इनका नंबर जो है मैटर करेगा। ये नहीं हो सकता कि 80 के 80 लोग उठाकर आप पीपल्स पार्टी में डाल दें या PMLN में डाल दें, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो जितनी ये बड़ी स्ट्रेंथ में आएंगे उतना इनको तोड़ना मुश्किल होगा, जितनी ये थोड़ी तादाद में पहुंचेंगे असेंबली में उतना इनको मैनेज करना आसान होगा। अगर ये बड़ी पार्टी के तौर पर 80 से ज्यादा नशिस्तें लेकर पहुंच जाते हैं तो फिर तो वो खुद इस पोजिशन में होंगे कि भाई हम खुद अपनी एक एंटिटी है भाई इसमें असेंबली के अंदर,
तो मेरा इसलिए इस पे ये ख्याल है कि जो अभी इलेक्शन होना है इसको प्रिडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर जो नॉर्मल हालात में इलेक्शन होता है तो आप आराम से हल्के के अंदर जाएं, आपको सर्वे से, आपको जो एक पॉलिटिकल उसकी हिस्ट्री होती है कि पीछे इस इलेक्शन में इतने लिए थे, इस इलेक्शन में इतने वोट दिए थे, जात बरादरी ये वो, ये सब आप कैलकुलेशन करके अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन जीतेगा और इसी की बुनियाद पर आप बता सकते हैं। लेकिन ये इलेक्शन एक डिफरेंट इलेक्शन है, क्योंकि इसमें हमें अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो जो 2.5 करोड़ वोटर जो है सभी नया शामिल हुआ है वोटर लिस्टों में, उसने क्या करना है ये अभी हमें नहीं मालूम है कि वो इतनी बड़ी तादाद में अगर सारे का सारा निकल आया तो फिर वो बिल्कुल गेम पलट के रख देगा। तो वो अभी अनप्रिडिक्टेबल वोटर है जो पहली दफा वोट कास्ट करने आ रहा है, कि वो निकलेगा या वो बस बिस्तर में बैठकर ट्विटर पर लाइक करने वाला वोटर है, या वो जाकर वोट भी कास्ट करके आएगा और उसके अंदर अपनी रिजेंटमेंट शो करेगा। मुझे लगता है कि शो करेगा, जो एंगर मैंने देखा है लोगों से बातचीत में, खासतौर पर नौजवानों से बातचीत में, तो मुझे लगता है कि वो जाएंगे इररिस्पेक्टिव कि वो क्या सोचते हैं कि ये आजाद उम्मीदवार क्या करेंगे या नहीं। वो कहते हैं वो जो मर्जी करें वो बाद की बात है, हम अपना काम कर लें, हम और कुछ नहीं कर सकते, हम लड़ नहीं सकते, हम ये नहीं, हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम मुसल्ला जिद्दोजहद तो नहीं करने चाहते ना अपनी स्टेट के अगेंस्ट, तो हम सिर्फ अगर कुछ कर सकते हैं तो वो हमारा वोट है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो अनप्रिडिक्टेबल वोटर है वो बड़ा एक डिटर्मिनिंग जिसको कहते हैं ना वो फैक्टर होगा कि वो डिटर्मिन करेगा कि आपके कितने लोग जीत के साथ आ रहे हैं, और उसके बाद जो फिर एक रिवायती सीटें होंगी जाहिर है वो भी होंगी जो कि कैलकुलेशन में है। मुझे लगता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो जिनकी जिक्र मखदूम शाहब भी कर रहे थे वो भी इसी बात पे सर पकड़ के बैठे हैं कि समझ में उन्हें भी नहीं आ रहा है कि कितनी कैलकुलेशन में लोग जीत के आ रहे हैं। बिल्कुल सही, बड़े वैलिड पॉइंट आपने बताया, इसमें कोई शक नहीं, खामोश वोट हर दफा एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इस दफा जो है यूथ पे 64% और 52% जो खवातीन है उनका वोट जो है वो बड़ा मैटर करेगा। और आपने जैसे कहा आपको लगता है वो सारे उधर ही जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ, तो ये मामला बड़ा बेहतरीन है। अब जो इंपॉर्टेंट सवाल है मखदूम भाई कि अगर ये जबरदस्ती की हुकूमत बनाते हैं, देखिए उन्होंने जैसे शहबाज शरीफ की बनाई, उसके बाद अभी निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ एक नोटिफिकेशन से आए, ना कुछ सिस्टम ना कुछ पैराशूट से, तो इस तरह की अगर जबरदस्ती की हुकूमत बनाते हैं तो फिर उसका अंजाम क्या होगा, आगे क्या नजर आता है आपको? देखिए उसका अंजाम वही होगा जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और वो खिलवाड़ मजीद चलेगा। और इस वक्त तो देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, जो आपने एक फॉर्मूला बना लिया ना कि आपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है उसके लिए आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देखें ये एक तूफान होता है और इसे आप जितना मर्जी दबाने की कोशिश कर लें, ऊपर से सब कुछ आप समुंदर जो है उसके अंदर जब वो इकट्ठा हो रहा था, ऊपर से आपको बड़ा पुरसुकून और खामोश नजर आ रहा होता है, अंदर से वो बेताब भी होता है। तो ये चीजें जितना करेंगे उतना ये अंदर ही अंदर एक लावा उबलेगा। मैं किसी और मैं हमेशा ये बात करता हूं, और मैं ये बात इसलिए करता हूं ताकि अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में दोबारा ऐसे सानहे हो, ऐसे वाकयात हो जो के बड़े अनफॉर्चुनेट हैं, जिसमें लोग निकलते हैं और जिसमें डिस्ट्रक्शन होती है। देखिए सादा सी बात है, लोग लाना चाहते हैं इनकलाब, रेवोल्यूशन। अब वो रेवोल्यूशन वाया बैलेट लाना चाहते हैं, और बड़ी बेताबी से बेचारे रेवोल्यूशन वाया बैलेट लाना चाहते हैं, वो इनकलाब बजरिया वोट लाना चाहते हैं। खुदारा 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 उन्हें इनकलाब बजरिया वोट लाने दें। किसी भी जमहूरियत में जमहूर की आवाज ही असल होती है, आप आर्टिफिशियल तरीके से जो मर्जी बना लें, अंदर ही अंदर वही सब कुछ पक रहा होता है जो आपको अंदाजा नहीं है, और आजकल का तो दौर ही मुख्तलिफ है। तो देखें एक चीज यहां पर जो मैंने कही कि खुदारा इनकलाब बजरिया वोट इस अवाम को लाने दें, अगर आप नहीं लाने देंगे इनकलाब अपना रास्ता बनाता है और वो पानी की तरह कोई और वो नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता, हमारी जियोपॉलिटिकल जो इस वक्त लोकेशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, हमारे लिए हजारों और मसाइल हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को बहुत से मसाइल दरपेश हैं, और खुदारा इन चीजों को समझें और लोगों को इनकलाब लाने दें, और जो उनका एक हक है वोट का, वो वोट का उनसे आप हक लेंगे तो वो फिर कुछ और सोचेंगे, वो अंदर ही अंदर तंग होंगे। ऑलरेडी आपने जनरेशन ऑफ हेट बना दी हुई है, ये नस्लों तक जाएगा मामला। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि एक औरत जो है एक मर्द को आप पढ़ाते हैं तो आप उसी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप एक औरत को पढ़ाते हैं तो आप एक पूरी नस्ल को पढ़ा लिखा बना रहे होते हैं। तो उसी तरीके से आपने जो एक नई रविश निकाली कि औरतों पे जुल्म और जबर भी किया जो हमारे मुआशरे में कभी नहीं होता था, तो आपको लगता है कि ये हेट इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी, आप ऐसे कोई छड़ी चलाएंगे, आप कोई जादू करेंगे, चुटकी बजाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, ये नस्लों तक चलेगा और आपको अंदाजा भी नहीं है जो कुछ अभी तक कर चुके हैं उसका। लेकिन मसला ये है कि जो नया आता है
वो कहता है कि पिछला तो बेवकूफ था, पिछले ने यहां से ये गलती की, मुझे देखना मैं क्या करता हूं, बस अब तुम देखते जाओ मैं करता क्या हूं। और ये एक ऐसा विशियस साइकिल है, ये चलता आया है, ये चलता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं ना आपको एक और चीज बताऊं, थोड़ा सा वक्त लूंगा, मैं ना आपको, मैं पता नहीं क्यों मैं खुद को हसन निसार समझना शुरू हो गया हूँ। रिसेंटली ये हुआ, मैं जब बोल न्यूज पे काम कर रहा था ऑफेयर होने से पहले, तो हसन निसार साहब ना उनका इंटरव्यू हमने किया एक्सक्लूसिव, तो मेरे ना रिसर्चर ने पहली दफा ना सामने 3 सवाल लिख के दिए मुझे। मैंने कहा मैंने घंटा गुजारना है, तुमने 3 सवाल, चलो मैं खुद भी कुछ ना कुछ पूछ लूंगा। कहता है अच्छा ठीक है, आपको अगर तीसरे सवाल का मौका मिला ना तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। 2 सवाल ही बहुत है हसन निसार साहब को, बस शुरू करना होता है, ब्रेक लेनी है और उसके बाद दोबारा। अच्छा मैंने शरारत ये कर दी कि मैंने हसन निसार साहब से पूछा मुल्क की मसाइल, वो आवाजार थे, तंग थे, मैंने कहा हसन निसार साहब इसका हल क्या है, हल क्या बताएं। हसन निसार साहब तो गुस्से में आ गए, उन्होंने ना बड़े प्यारे अल्फाज के, तारीखी सुनहरी हुरूफ, उन्होंने कहा ओए ये जो तुम लौंडे हो ना लड़के, ये कल के ये तुम लोग हम बाबों को तंग करते हो, मैं भी तुम्हारी तरह ही लड़का था ना, तो मैं भी बाबों को तंग करता था कि पूछता था कि इस मुल्क के हल गया मसाइल है। का हल क्या है, ये मकाफाते अमल है जो मैं फेस कर रहा हूँ तुम्हारी सूरत में, वो नहीं है कोई हल इस मुल्क का, ये नहीं गुसल, ठीक हो वो कहते हैं सकता। तेजाब से गुसल दे। कहते हैं कि हम बाबों को तंग करते थे, अब हम बाबे हुए तुम हमें तंग कर रहे हो, तुम्हें भी कोई कल को तंग करेगा और तुमसे पूछेगा कि मसाइल का हल क्या है। देखें आपको कोई सिल्वर लाइनिंग नजर तो आए ना, कोई फैसला साजों की सोच में आपको कोई मस्बत चीज तो नजर आए, फिर आप कोई एक अच्छी ओपिनियन फॉर्म करेंगे। मैं कोई मायूसी नहीं फैला रहा, लेकिन वही बात है कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। बिल्कुल हमने तो अपने हिस्से की शमा जलानी है, अवाम ने भी अपने हिस्से की शमा जलानी है, और सिर्फ जमहूरी तरीके से पुरमन रह बिल्कुल के, वरना वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है, वो हमने पहले ही देख ली। सही। अच्छा समीना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, खान साहब के केसेस, आपको पता है तोशाखाना, नैब, क्या ये सारे केसेस हवा में उड़ जाएंगे जिस तरह अभी नवाज शरीफ साहब के उड़ गए, जिन्होंने बनाए थे उन्होंने ही उठा लिए, इसी तरह क्या 8 फरवरी के इलेक्शन खत्म होते साथ ही जो तहरीक इंसाफ पर जो मजालिम है, इनके जो रोपोश लोग हैं, वो सारे सामने आ जाएंगे, इन पर सॉफ्ट हैंड हो जाएगा, जो मकसद अगर पूरा हो गया इनका तो खान के केसेस भी खत्म आ जाएंगे, खान बाहर आके एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, या फिर आपको लगता है ये केसेस लंबे अरसे के लिए नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश के मुताबिक चलेंगे? जी, इसकी बिल्कुल आपने सही निशानदेही। पहले तो ये देखना होगा कि इलेक्शन में रिजल्ट क्या है, क्या मतलूबा नतायज हासिल हो गए हैं या नहीं। दूसरी चीज ये कि फिर उन नतायज के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होगा ना, ऑब्वियसली, कि खान साहब ने आकर उनको कबूल कर लेना है या फिर उन्होंने आराम से बैठ जाना है। तो ये तो मेरा ख्याल है, हम तीनों में से किसी एक को भी 1% भी शक नहीं है कि अगर जिस तरह से इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश हो रही है, और बिल्कुल इनको अगर बहुत बड़ा धांधला करके इलेक्शन रिजल्ट बिल्कुल मनूवर कर दिए गए, तो जाहिर है खान साहब उसको तस्लीम तो नहीं करेंगे, आराम से तो नहीं बैठेंगे। उन्होंने 4 हलकों के ऊपर पूरे मुल्क में वक्ता डाले रखा था, तो अगर आप पूरा मुल्क का बिल्कुल इलेक्शन रिग करेंगे तो वो कहाँ आराम से बैठेंगे। तो एक तो ये चीज है, तो ये सब चीजें कैलकुलेट करके ही उनके केसेस का फैसला होगा। देखिए, अगर उनके केसेस वाकईतन जेन्युइन केसेस होते और उसमें कोई आईन और कानून के मुताबिक अदालतों ने, बा इख्तियार आजाद अदालतों ने फैसले देने होते, तो फिर तो मेरा ख्याल था कि हम किसी भी आईनी और कानूनी माहिर को बिठाते और उनसे पूछ लेते कि भाई कितने सॉलिड केसेस हैं और क्या रिजल्ट आ सकता है। लेकिन ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि अदालतों बेचारों ने तो फैसले करने नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के तहत ही होगा, जब भी होगा। और ये कब होगा इसका मेरा ख्याल है कि अब ये उसी वक्त अंदाजा होगा कि जब इलेक्शन रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है, उसके बाद ही इस चीज को देखा जाएगा। लेकिन बिल्कुल फ्रैंकली, जो इस वक्त एक मैं ऊपर अपने जो टॉप लेवल पर लोगों को देख रही हूँ, उनके होते हुए तो मुझे नहीं है नजर आ रहा कि खान साहब के हवाले से कोई भी नरमी बरती जाएगी, क्योंकि उन लोगों को जो एक माइंड सेट है वो बड़ा क्लियर कट है। जितनी भी उनकी गुफ्तगू आती है इधर उधर से हमारे पास रिपोर्ट होके, उसमें हमें पता चलता है कि उनका माइंड किस कदर क्लियर है। तो वो चीज को देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई रास्ता बनाएंगे, इस चीज को भी हम एड्रेस कर लेंगे उस तरह। लेकिन अभी बहुत कुछ कहना शायद कबल अज वक्त है, जब तक कि इलेक्शन और इलेक्शन के रिजल्ट की बाद की सूरत हाल वाजे नहीं हो जाती। लेकिन ये बात तो तयशुदा है कि इन केसेस में, मैंने खुद भी बहुत सारे केसेस को काफी डिटेल में कोशिश की है इनके बारे में जानने की, लेकिन अगर आप लीगली देखें तो कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि इनमें से किसी एक केस के अंदर भी कोई इतना सॉलिड एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम कहें कि जी खान साहब को सजा हो जाए या लंबा अरसा जेल में डाल दें, ऐसा कोई खास नजर नहीं आता। लेकिन इसका मसला ये है कि ये सारी पोलिटिकल सेटलमेंट से ही होगा। बिल्कुल सही मखदूम भाई, इसी का आप अगर शॉर्ट सा जवाब दे दें खान साहब के केसेस पे।
देखिए खान साहब के केसेस, मुझे तो यही लगता है, देखें जिधर 200 केस बना लिया और नए से नया केस बनाने की आपको जरूरत पड़ जाती है, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब बड़ा सादा सा है, इसका मतलब यह है कि पिछले सारे केसेस ठुस हो चुके हैं, वो साइफर में से भी जान निकल गई है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था और मैं अपनी बात से ही चले इख्तलाफ कर लेता हूँ कि सिल्वर लाइनिंग किधर है, वो जो एक अच्छे की उम्मीद होती है। जिस तरह से वो बात है कि अभी वाले तो शायद कुछ ना करें, मेरी एक नून लीग के दोस्त से बात हो रही थी, उसने कहा कि देखें जी मियाँ साहब को आप कहते थे कि कभी नहीं आएंगे और क्या कुछ नहीं हुआ, पक्के पक्के कांटे लगे हुए थे, मियाँ साहब को कैसे आए नहीं लाया गया है उनके, और इस वक्त निजाम और रियासत जो है वो तो सदके बारी जा रही है मियाँ साहब के। मियाँ साहब कुछ करें तो मुझे तो लगता है कि रियासत पाकिस्तान को सदका देना चाहिए, कौमी खजाने में से, इतना प्यार है मियाँ साहब पे। तो मैंने कहा बस देखें जी, अगर पीटीआई के कारकुन समझदार हो ना तो इसी बात को समझ के पुरउम्मीद हो जाए कि आज खान के नाम पे काटा है तो मियाँ साहब के नाम पे भी काटा था, मरियम नवाज के भी नाम पे काटा था। लेकिन बुनियादी नुक्ता यह है कि पीटीआई अगर दोबारा उसी तरीके से आती है जिस तरह से नून लीग आती है, तो फिर हम उसकी राह में भी इंशाल्लाह उसी तरह की रुकावट बनेंगे जो आज हम है, जिस तरह से नून लीग को हम तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के केसेस, आई थिंक कि देखें इन्होंने एक नाम निहाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, जिस तरह के ये इलेक्शन करा रहे हैं ना, उस तरह के इलेक्शंस के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आनी कोई नहीं है, और चार हलकों पे शोर करने वाला कप्तान पूरे पाकिस्तान पे क्या करेगा? ये इमरान खान साहब को कुछ अर्सा, जब तक इनका एक सफा फटता नहीं है उस वक्त तक ये अंदर रखेंगे, ये एक सफा कोई 1.5 साल से आगे चलना कोई नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब पुराने, उनका एक्सपीरियंस है, रेफरी को उन्होंने और मार देना, जी जिस तरह रेफरी को उन्होंने पहले 6 साल हाँ, दफा रेफरी के ऊपर गोली तो चलेगी, ये तो रेफरी को अगर लग रहा है नहीं चलेगी ये एक सफा, वरना हम भी एक डेढ़ इसमें साल तो गोल, आपने बहुत ज्यादा टाइम बता दिया शाह। मैंने बहुत ज्यादा, मैंने बहुत जेनरस होकर बताया, आई प्लीड गिल्टी, क्योंकि मैंने एक दफा जनरल बाजवा, फैज हमीद और खान साहब की तस्वीर शेयर करके लिखा था कंपनी तो यही चलेगी, तो वो अभी भी लोग शेयर करके मेरे से पूछते हैं, शरारत करते हैं, अभी चल रही है कंपनी पर, तो जे वो कंपनी नहीं चली मैं गलत था, तो ये कंपनी कैसे चलेगी? कंपनी नहीं आज तक कोई नहीं चली, और पाकिस्तान में ना एक साइकिल है, वो साइकिल समझ ले, 1 मिनट में बता देता हूँ। होता यह है कि एक आर्मी चीफ जो है ना वो एक वजीर आजम लेके आता है ये समझ के कि मैं इसे ला रहा हूँ ये तो मेरी सुनेगा, साल बाद वजीर आजम को रियलाइज होता है कि भाई मेरे हाथ में तो ताकत ही और है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, वो कहता है अब ये इस आर्मी चीफ से बस किसी तरीके टाइम गुजारो, मैं अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाऊंगा, वो मेरे नीचे लगा होगा, वो आर्मी चीफ बिल्कुल भी उसके नीचे लगता है, और साल बाद उस आर्मी चीफ को ख्याल आता है कि असल डंडा तो मेरे हाथ में था, तो मैं अब अपना वजीर आजम लाता हूँ। तो दिस इज अ साइकिल, पाकिस्तान बिल्कुल की 76 साल तारीख इसी साइकिल में चल रही है, और अभी भी बिल्कुल इसमें हमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही, ना किसी बिल्कुल ने सीखा है ना किसी ने सीखना है। बिल्कुल हर आने वाले को लगता है कि पिछले वाले ने ये गलती की, उस गलती को सुधारने की कोशिश में अब मैं जिनके साथ जुल्म हुआ ने दोबारा लाऊं, तो बिल्कुल ये सिलसिला अल्लाह करे कि ये रुक जाए और अवाम खुद गलतियां इनकी ठीक करे। समीना पाशा साहिबा और मखदूम शहाबुद्दीन, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ा अहम और बड़े बेहतरीन जो आपने दलाइल से बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, उम्मीद है कि इंशाल्लाह अवाम तक ये पहुंचेगा। मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।